इंदौर पुलिस एवं खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना काल में शहीद हुए इंदौर पुलिस के कर्मवीर योद्धा निरीक्षक देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी के सम्मान स्वरूप उनकी स्मृति में जिला स्तरीय शहीद देवेंद्र सिंह स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गुरुवार से किया जा रहा है। गुरुवार 28 जनवरी से 2 फरवरी तक स्थानीय DRP पुलिस लाइन मैदान इंदौर में फुटबॉल टूर्नामेंट किया जा रहा है। उक्त स्पर्धा में इंदौर एवं महू क्षेत्र की कुल 16 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला टीमों के बीच फुटबॉल मैच स्पर्धा करवाकर किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ इंदौर IG हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान सभी खिलाड़ियों ने पैदल मार्च कर IG हरिनारायण चारी मिश्र को सलामी दी तथा IG द्वारा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को बधाई दी गई और कहा कि इंदौर में पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते रात दिन ड्यूटी करने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों के हौसले बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। किया गया है, ये मुख्य तौर पर बदलते हुए समय का संकेत है। जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों से चुनौती थी हमारे सामने, लगभग सारे जो आउटडोर गेम्स से लगभग बंद थे और बदलते हुए चीज़ों में जो वैक्सीन के बाद का जो समय है, जिस तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है, लोगों में भय दूर हुआ है, अब इस तरह के गेम्स का भी प्रचलन शुरू हुआ है और उस कड़ी में उसी संकेत के रूप में आज एक इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें फुटबॉल मैच में लगभग 16 टीमें हैं। इंदौर का एक बड़ा खेलों के मामले में गौरवपूर्ण इतिहास अतीत रहा है और उसमें 16 टीमें अलग अलग जगहों में भाग लेंगी, जिसमें अगला जो मैच होगा, अंतिम जो मैच होगा, वो 2 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख को 2 बजे इस पूरे कार्यक्रम का समापन होगा और इसमें विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, किस तरह देखते हैं सर, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि कोविड का दौर निकाला है, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य दृष्टि से इस तरह के आयोजन होना बहुत जरूरी है। मुख्यतः आज का आयोजन अगर आप देखेंगे तो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। देखेंगे तो आज के आयोजन को मुख्य तौर पर जो हमारे साथी एक शहीद देवेंद्र चंद्रवंशी जो कि इसमें शहीद हो गए इस लड़ाई में, उनकी स्मृति में इसका नामकरण है, इनके स्मृति में कार्यक्रम आयोजित है। और हाल के दिनों में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए जो बहुत अभियान चल रहे हैं, उसके सम्मान में आज का कार्यक्रम 2 महिला टीमों के बीच में है, जो कि महिला सशक्तिकरण को भी दिखाता है। तो मुख्य तौर पर बदलते समय के संकेत के साथ साथ इस आयोजन पर और 2 महिला टीमों के बीच में होना, ये भी दिखाता है कि एक जागरूकता आई है, लोगों में उत्साह आया है और लोग अब नई चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।